नहीं मैंने क्या कहा, मैंने भी सुना, मैना ने क्या कहा और तितली ने क्या, उनकी सुन ले सबकी। आज तक इस परिवार में किसी बहू ने नौकरी नहीं की, ठीक है, लेकिन अगर तितली करना चाह रही है तो इसमें हर्ज क्या है? हमने अपनी बेटियों को भी तो इंडिपेंडेंट और काबिल बनाया है, सर बहू पे रोक। हम बेटियों को पढ़ाते क्योंकि वो हमारा कर्म है, लेकिन शादी के बाद उनको ससुराल वालों के पास सौंप दिया जाता है क्योंकि वो हमारा धर्म है। फिर ससुराल वालों के ऊपर कि वो अपनी बहू से काम करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, और अगर वो नहीं करवाना चाहते तो हमें उनके साथ सहमत होना ही पड़ता है, और यही समाज। लेकिन लड़कियों के भी तो कुछ अधिकार होते हैं, मतलब मेरी बहू है तो उसके क्या अधिकार है और क्या अधिकार नहीं है उसका फैसला मैं करूंगा। तुम्हारा अगर बेटा होता और तुम्हारी बहू आती तो मुझसे काम करवाती, उसके पैसे पर जीते जैसे आप मेरे पैसे पर जी रहे हो। प्रतिमा बस मैंने फैसला लेंगे, इस घर की किसी भी बहू ने बाहर जाकर काम नहीं किया है तो आगे भी नहीं करेंगे। सुना तुमने जो आज तक नहीं हुआ जरूरी थोड़ी ना है कि वो आगे भी ना हो, और तुम्हारी काम पे जाके उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हर बात पे उल्टा होना जरूरी है क्या? आपसे प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं किस घर की बहुएं काम नहीं करेंगी, हमारे कोई पुरखों का बनाया हुआ रिवाज नहीं, ये आपके नियम, जो टूट भी जाएगा तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। आ जाएगा घर, अभी ठीक से इस घर की बहू भी नहीं बनी, घर के बाहर जाएगी काम करेगी तो घर कब संभालेगी? किसी ने कहा कि इसके काम से पर्सनल लाइफ में और घर की जिम्मेदारी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना चित्र? हाँ, I promise। और इन केस आप सभी लोगों को डाउट हो रहे हैं तो तितली आप सबको टेस्ट देके साबित कर दे कि वो घर का काम और बाहर का काम दोनों संभाल सकती है। मेरी तितली सास ने तितली अगर तुम्हें लगता है कि तुम घर और बाहर दोनों में बैलेंस कर सकते हो तो साबित कर, प्रूव इट। ठीक है ना, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। चलो मुझे ऑफिस में।